कहा कि कांग्रेस व इनेलो पार्टी अब किसान हितेशी होने का दावा कर रही है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक पार्टी एसवाईएल मुद्दे पर ड्रामा रच रही है तो दूसरी पार्टी किसान पंचायत कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। नायाब सैनी आज साई कैथल लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सैनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पूछना चाहते हैं कि वो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और आज वे कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों को स्वर्ग में पहुंचा दिया था, लेकिन वे एक ऐसा काम बताएं जिससे किसानों का भला हुआ हो। आज किसानों की दयनीय हालत के लिए कांग्रेस व उसकी नीतियां जिम्मेदार है। नायाब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार आज प्रदेश में 1000 दिन पूरे हो गए हैं। हमने किसानों की हालत सुधारने के लिए कई फैसले लिए हैं जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों का पिछली सरकार के दौरान बकाया पड़ा जो कई करोड़ों का मुआवजा है, हमारी सरकार ने आने के बाद सरकार को 1400 करोड़ रुपए का मुआवजा बिना देरी के दिया है। पिछली सरकार में गन्ने का बकाया सालों खड़ा रहता था लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया। आजाद टीवी न्यूज के लिए कैथल से राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। को करते जिससे उनका लाभ होता, परंतु आज 1000 दिन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के अंदर, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी समान रूप से कार्य कर रही है और जिससे आज एक वातावरण बदला, आज हरियाणा भी हमारा बदल रहा है। आप सड़कों को लेकर के ले लीजिए, गांव को से गांव को जोड़ने वाली सड़कें, जो फोर लाइनिंग सड़कें बड़े NH हाईवे है, उनके ऊपर कितनी तेजी से काम चल रहा है। और भी हमारी सरकार के अंदर जो मेरे विभाग के अंदर, हमने रोजगार विभाग मेरे पास है, हमने जो हरियाणा के सक्षम वेब पोर्टल जो हमने पिछले दिनों 1 नवंबर 1916 को आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश के अंदर वो लॉन्च किया था और हमने कहा था, मैनिफेस्टो के अंदर भी हमने ये बात कही थी कि हम जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है उसको हम 9000 रुपये महीना वो देंगे और जो ग्रेजुएट युवा है उसको हम 6500 रुपये देंगे, प्लस टू को 7500 रुपये देंगे और प्लस टू को 6000 रुपये देंगे। तो हमने 1 नवंबर 1916 को जो सक्षम युवा वेब पोर्टल लॉन्च किया उसके माध्यम से हमने फर्स्ट फेज के अंदर हरियाणा के पूरे पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को कहा कि आप इसके अंदर रजिस्टर्ड कीजिए। लगभग 15000 युवाओं ने उसके अंदर रजिस्टर्ड किया और हम सब युवाओं को 100 घंटे काम के बदले 3000 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में और 6000 रुपए हम उनको मानदेय के रूप में वो दे रहे हैं और उनको 100 घंटे काम भी उनको हम दे रहे हैं। और उसके बाद हमने जो ग्रेजुएट BSc है उसके साथ BA मैथ और BTech उन युवाओं को भी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कहा और उनको भी हम 7500 रुपए महीने के 100 घंटे काम के बदले कार्य दे रहे हैं और उनको मानदेय के रूप में उनका सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद BCom ग्रेजुएट BCom की रजिस्ट्रेशन वो चालू है और उन युवाओं को भी हम 100 घंटे काम के बदले 7500 रुपए देने का काम करेंगे। धीरे धीरे फेसिस के अंदर हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी हरियाणा के अंदर जो हमने पूरे हरियाणा को कैरोसिन मुक्त किया है, ये पहली बार है हरियाणा के अंदर कि पूरे हरियाणा को हमने कैरोसिन मुक्त किया। और उसके अंदर जो डिपोज के अंदर लोगों को ये बड़ी शिकायतें रहती थी कि हमें ठीक प्रकार से राशन वितरित नहीं हमें हो रहा, ठीक राशन नहीं मिल रहा है, उसके अंदर कई गड़बड़ियां होती थी, उस गड़बड़ियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन करके उन गड़बड़ियों को भी दूर करने का काम किया। और आज लोगों को जिस तरीके से ऑनलाइन किया कि अगर किसी के खाते के अंदर 1 किलो अनाज जाता है तो तुरंत उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि इस व्यक्ति को 1 किलो अनाज गया है। और उसके बाद भी उसमें हमने सुविधा किया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले तो एक डिपो से ही राशन व्यक्ति को मिलता था, परंतु आज हरियाणा के किसी भी डिपो से जाकर के कोई भी व्यक्ति अपना राशन ले सकता है, उसको इस बात से भी राहत मिली है। नहीं तो वो एक ही डिपो के पास जाता था, खत्म हो जाता था, फिर कहता था अगले महीने मिलेगा। हम कार्रवाई करते हैं अलग अलग, हमारे संगठन की एक रचना है, उस रचना के माध्यम से और भी जिन व्यक्तियों को सरकार के अंदर भी जिम्मेवारी है या कोई किसी विभाग के अंदर चेयरमैन के पद के ऊपर है, ऐसे सब व्यक्ति उसके अंदर सरकार को लेकर के कार्य करवाने का काम करते हैं। और अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है तो कोई उसका भी ध्यान किया जाता है।